गाइस आज हम जा रहे हैं मेरी नानी के घर और आज हम उनको सरप्राइज देंगे कि हम आ रहे हैं और हम उनको ये से भी आज मिलवाएंगे और आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग माय लवली सब्सक्राइबर्स, आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस रेडी तो मैं हो ही चुकी हूँ और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था घर पर ही सुबह सुबह और अभी सीधा वहाँ चलते हैं फिर आपसे चलते हैं। रियो की वीडियो बन रही है दे। तो गाइस अभी हम तीनों बोर हो रहे थे तो हमने सोचा हम पकड़ पकड़ाई खेलते हैं और गाइस अभी हम हाइड एंड सीक खेलेंगे तो दीदी का तो अपना फोन है यही मेरा अब मैंने इन दोनों को भी फोन प्रोवाइड करा दी इन दोनों का। तो अभी क्या होगा हम जब जहाँ छुपेगा वो अपना कैमरा साथ में ले लेके छुपेगा ठीक है जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ ठीक है दोनों का नमन और दीदी छुपेंगे मैं ढूंढूंगा पहले देखते हैं किसकी बारी है स्टोन पेपर सीजर कर लेते हैं ठीक है। पेपर सीजर अरे स्टोन पेपर सीजर चलो मेरी लाइन चलो छुप जाओ दोनों बच्चे चलो मैं बताता हूँ क्या कहता कि तुम दोनों में से देखते किसकी बारी है पर मैं ऐसा नहीं करता मैं अच्छा अच्छा चलो चलो खेलते हैं। अब रौनक तो चला गया छुप मतलब डाइन देने छुपूंगा ना रौनक ढूंढ भी नहीं पाएगा और अभी हम दोनों छुपते हैं ठीक है चलो अभी पहले की काउंटिंग कर 100 तक। तो गाइस मैं नीचे जा रही हूं छुपने रौनक को नहीं पता मैं और नमन आ गए ऊपर नीचे छुपने की जगह नहीं थी और ये रहा नमन मैं भी आ गया ऊपर चलते नमन हम सब ऊपर अरे छत पे दिख जाएंगे इधर चल हम छत पे दिख जाएंगे यार नहीं साथ वाले की छत पे रौनक अभी क्या कर रहा है दीदी ऐसे करते मंजू को नीचे करके तो उसके कान बड़े तेज है वो सुन रहे ठीक है चल नमन तो यहाँ छुपेगा अभी मैं इनको पकड़ने जा रहा हूँ देखते हैं कौन पहले पकड़ा जाता है। गाइस हम आ गए बाहर छुपने के लिए उसको पता ही नहीं हमने कहा कि हम घर में छुपे हैं घर में ढूंढता रहेगा हम बाहर हाँ वो घर में हम घर से थोड़ा सा बाहर आ गए एक मतलब जस्ट साइड वाले घर में छुप गए हैं और अभी देखते हैं ढूंढ पाते हैं वो भी कहेंगे पता नहीं कौन चोर आ गया हमारे घर के बाहर नहीं नहीं चोर नहीं कहेंगे इतने सुंदर सुंदर शक्ल के लोग चोर कैसे हो सकते हैं कुछ ज्यादा हो रहा है नहीं मैं कम करती नहीं इधर देख लेगा बहुत चला गया मिल रहा छत पे जाते हैं देखते हैं मिलते हैं गाइस हमने रौनक को एक मिनट का टाइम दिया है एक या दो मिनट का अब तो 2 मिनट होने वाले हैं उसके तो वो हार जाएगा हमें नहीं ढूंढ पाएगा मेरे को लग रहा है अभी देखते हैं आता है या नहीं गर्मी लग रही है तो मैं अपनी अपनी टाइम दे रहा हूँ दोनों तो मस्त अपना छुप रहे होंगे पता नहीं बच्चों को ढूंढेंगे बच्चे नहीं है बड़े है बट मेरे को ज्यादा जो सबसे ज्यादा उम्मीद है ना वो है कि नमन पकड़ा जाएगा सबसे पहले मेरे को पता है नमन पकड़ा जाएगा उसके बाद मेरे को दी बट इनको मेहनत बहुत लगने वाली ढूंढने मेरे को पता है ये दोनों तेज हैं दोनों ही तगड़ी जगह छुपे होंगे गारंटीड आ रहेगा रौनक देख लेना मेरे को भी यही लग रहा है ऊपर में उसके गए छुपन छुपाई खेल लेंगे नहीं बिना पैसे के खेल रहे पागल ऐसे मजे में खेल रहे बस और कुछ नहीं है गाइस रौनक आ चुका है और ये पीछे हमारी मम्मी घूम रही है हेलो कर दो हेलो हेलो
यार क्या हमारे से कहाँ गए ये भी पूछो, हम बात में आ गए घर की बात, इसको लगा ये बाहर घूम रही है, छत पे घूम रहे हैं, आउट हो गया बेटा, रौनक दोबारा टाइम देगा दोबारा, चलो बाय। तो गाइस अभी मेरा लंच आ चुका है और देखो आज मेरे को बड़ी मम्मा ने लंच में क्या दे, वो देखो एक और डॉल सी, तो अभी आप देखो देखो मेरी बड़ी मम्मा ने लंच में मेरे को क्या दिया। तो गाइस देखो आज बड़ी मम्मा ने मेरी फेवरेट पनीर की भुर्जी बनाई है, साथ में मैंने लिया एक रोटी, तो बस इसे खाते हैं फिर आपसे जल्दी मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ नानी के अपने घर से और अभी मम्मा मेरे को कह रहे कि डोल जी आटा गूंदो, मैं क्या अभी रुक जाओ यार मैं अम्मी आई हूँ, तो अभी मैं रुक के आटा गूंदूंगी, मस्त सा आटा गूंदूंगी एकदम देखना। तो गाइस देख लो अभी हम गूंद रहे हैं आटा, पहले आटे को फटाफट छानेंगे 2 मिनट पहले इसको सेट कर ले। तो इसे भी फटाफट से छानेंगे जल्दी जल्दी और आज आपको बता रही हूँ गया था मेरी नानी के घर, अब हमारी बड़ी मम्मा लगी तो नियो की भी लगी अभी हमने अपना आटा छान लिया और अभी हम इसमें डालेंगे वाटर, इसे फटाफट मिक्स करेंगे। आपको पता है मैं बड़ा मस्त आटा गूंथती हूँ, मलाई जैसा एकदम, मेरे को ज़्यादा देर नहीं लगती, एग्जैक्ट 12 मिनट्स लगते हैं आटा गूंथने में और अब तो उससे भी कम हो गया होगा। मैंने इसको इसके कंटेनर में डाल दिया है, एकदम मलाई जैसा लग रहा है एकदम, देखो दीदी मलाई जाम रोल याद आ गई उसकी। चलो फिर हम बनाएंगे हमारे डैडी के लिए रोटी। गाइस पहले हम यहाँ पर लेंगे एक पेड़ा, दीदी यहाँ लगता है सारी टीचिंग हो जाएगी। इसको थोड़ा सा दुबड़ा लगाएंगे, अरे लगता है दीदी आज ये टीचर बनी है, किस चीज की? आज खाना बनाने की। पता है कभी कभी ना ढंग की सर्कल नहीं बनती और आज आई विल ट्राई, मैं हर बार ट्राई करती हूँ कि मेरी मतलब पूरी गोल शेप आए और जो कि मुझे अब लग रहा है नहीं आने वाली, नहीं आ जाएगी। डिजाइन बिठाया जा रहा है, डिजाइन बैठेगा तभी तो मजा आएगा दीदी, दिल की शेप वाली बना दो। बन गई देख लो गाइस एकदम गोल बनी है, गोल ओवल लग रहा है मेरे को तो। नहीं भाई गोल होगा, तवा हो गया गरम और इसमें बना दिए रोटी, उतने में हम दूसरी रोटी बना लेते हैं, चलो वो भी देखते हैं फिर। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जल्दी जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो कराने में मेरी हेल्प कर दो और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ में इधर बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको आती रहे और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, मैं अपनी आईडी इधर मेंशन कर दूंगी और मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।